ऑल राइट, सो वॉट इज़ अप यूट्यूब, क्या हाल है आप सब लोगों के। एक्चुअली दिस इज़ गोना बी ए प्राइवेट वीडियो। आप सब लोगों की बड़ी रिक्वेस्ट थी कि लास्ट वीडियो में जो आप सब लोगों ने देखी होगी, और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, जिनके मैं हमेशा कॉन्टैक्ट में रहता हूँ, जैसे कि आप जुनेद, आप मुझे हमेशा पूछते रहते हैं, आपके साथ मतलब रब्ता होता रहता है, और बाकी जितने भी मेरे कज़न से सब वीडियो देख रहे हैं, उन सब लोगों के लिए आई एम नॉट इन ए मूड टू पुट इट ऑन पब्लिक बिकॉज इट्स नॉट फॉर एवरीवन। ये सिर्फ मेरे कुछ खास लोगों के लिए हैं जो मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे प्यार करता हूँ, उन सब के लिए। तो मुझे बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई कि आप कुछ बताइए जॉब्स के बारे में, कि कैसे एक अच्छी जॉब पे लैंड करें। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आप सबका मतलब प्रॉब्लम एक ही जगह पे आके टिकता है, कुछ लोगों को छोड़ के, वो ये है कि हमारे यहाँ पेपर सबके पास हैं और स्किल नहीं है किसी के पास। बाई सेइंग दैट व्हाट आई मीन इज़ के मतलब डिग्रियाँ हमारे पास हैं, डिग्रीज़ हैं, डिग्री हम लोग ले लेते हैं यूपी से, दिल्ली की किसी यूनिवर्सिटी से और आसपास से, लेकिन जो स्किल सेट किसी काम को करने के लिए, किसी जॉब को करने के लिए चाहिए होता है, वो हमारे पास अभी नहीं है। ये बहुत बड़ा लैक है जो हमारी सोसाइटी में मतलब है। अब क्या कर सकते हैं, है ऐसा ही है। अब कोई बैठ के तो फिर से पूरी यूनिवर्सिटी डिज़ाइन नहीं करेगा, पूरा एजुकेशनल स्ट्रक्चर नहीं बदल सकता। बहुत अच्छी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, लेकिन फिर वहाँ तक पहुँचने के लिए इतनी सारी मेहनत है, वो खैर वो एक अलग भी बहस है, उसमें कहीं नहीं जाना। फ़िलहाल जहाँ हम लोग स्टैंड कर रहे हैं और फ़िलहाल जो हमारी प्रैक्टिकल रियलिटी है, हमें उस पर बात कर लेनी चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, और शुरू एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से करूँ। बहुत सारे सवाल हैं जो आप लोगों ने पूछे हैं, अलग अलग किसी लोगों को कुछ पूछे, तो मैं सम अप करके एक मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ कि मैं एज बीइंग योर फ्रेंड, एज बीइंग योर रिलेटिव, एज बीइंग योर एल्डर ब्रदर, एज बीइंग योर यंगर ब्रदर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको उतना गाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर आपकी मतलब समझ है, आपकी फैमिलीज़ के डिसीजंस हैं और आपके खुद के डिसीजंस हैं कि आप उसको उस तरफ जाएं कि ना जाएं। बाकी आई एम हियर टू असिस्ट यू, जो भी आपको हेल्प चाहिए। क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी का एक चक्कर ये भी है कि हम लोग खुद से डिसीजन नहीं लेते, हमारी फैमिलीज हमारे लिए डिसीजन लेती है, जो कि एक मतलब मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ ख़त्म ही हो जाए। आप अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करें और आप अपनी लाइफ के बड़े डिसीजन खुद से लें। आपने कहाँ काम करना है, आपने कौन से जॉब पे लैंड करना है, आपने किस फील्ड में करियर बनाना, ये हमारी फैमिलीज हमको बताती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि भाई ये करो तो ये होगा, ऐसा कर लो वैसा कर लो। बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे की फिजिकैलिटी, बच्चे का एटीट्यूड, बच्चे की पर्सनैलिटी पर कोई ध्यान नहीं देता है कि ये बंदा किस फील्ड में कितने आगे जा सकता है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना सा है कि भाई हम इसे क्या बनाना चाहते हैं, है ना। खैर इस पे फिर कभी और बात करेंगे, और अभी हम सीधा चलते हैं कि भाई मैं आपको क्या हेल्प कर सकता हूँ। बात ऐसी है कि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं फ़िलहाल बाहर हूँ, इंडिया के बाहर में एक MNC में, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे आसपास के लोग, जितने भी लोग हैं जिनको मैं हेल्प कर सकता हूँ, जो मतलब सच में अपना अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, जिनकी एजुकेशन बहुत हाई लेवल की नहीं हुई है। मैंने खुद अपनी डिग्री ड्रॉप आउट की थी 4th ईयर में, और अभी तक मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। हालांकि है प्लान्स आगे कुछ फ्यूचर में, आगे जैसी थोड़ा सा इजी होंगी चीज़ें, तो इंशाल्लाह थोड़ा इजी होने लगी है शादी के बाद, थोड़ा मतलब अब टाइम है, काफ़ी सारा टाइम है अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए काम करने के लिए। तो देखिए अगर आप ग्रेजुएट हैं तो बहुत अच्छा है, लाइक ब्रावो, कुडोस टू यू, आपने बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो देखिए डिग्री भी एक लेवल तक काम आती है, है ना। मान लिया आपने किसी ऐसी जॉब पे लैंड करना है जिनकी रिक्वायरमेंट, पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास ये डिग्री हो, उसके बाद वो आपका स्किल सेट पे बात करते हैं कि आपने उस डिग्री में सीखा क्या है, आप क्या होल्ड करते हैं, राइट। और अगर आप प्लस टू हैं, आप हाई स्कूल हैं, देखिए जहाँ मैं बैठा हूँ फिलहाल इस कंट्री में, आपने अभी देख भी रहे होंगे इस दौरान फीफा का बड़ा चल रहा है। सी देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे काम की कमी नहीं है, काम दुनिया भर का है, ठीक है, और जॉब्स की कमी नहीं है, जॉब्स भी बेहद है। यहाँ पे ऐसी जॉब्स भी हैं जो लोग महीने का 10,000 रुपये कमाते हैं, लाइक रियाल्स में बताऊँ तो 500 रियाल, 1 रियाल अभी 22 रुपये के आसपास का हो गया है, पहले जब मैं आया था 16.5-17 का था, ठीक है। थैंक्स टू मोदी जी, वो इकॉनमी को धर्रा बैठा रहे हैं, तो हमारे जैसे NRI का फ़ायदा हो जाता है। एनीवे, तो ऐसी भी जॉब्स हैं जो इंडियन रुपीज़ के 10,000 महीने का कमाते हैं, और ऐसे भी जॉब्स हैं
जो कि 10 लाख महीने का भी कमाते हैं, और ऐसी भी जॉब्स हैं जो 50 लाख महीने का भी कमाते हैं। ऐसा नहीं है, सच में हैं ऐसी जॉब्स अवेलेबल हैं। आप किसी कंपनी के सीईओ लग गए, अभी मैं ग्रुप पे ऐड हूँ जो कि मुझे मतलब पढ़ रहा था मैं वहाँ पे, वो 15 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे थे एज ए सीईओ, और वो ऑफर कर रहे थे आपको 13 लाख रुपये महीना का सैलरी, राइट। तो जॉब्स काफ़ी हैं, जॉब्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपके स्किल सेट का, राइट। चलिए फिर उस टॉपिक पे आते हैं कि भाई मैं आपको पर्सनली क्या मदद कर सकता हूँ। देखिए, मैं आपको ये मदद कर सकता हूँ कि मैं आपको इंडिया से उठा के मैं आपको यहाँ लेके आ सकता हूँ लीगली, आपको वीज़ा प्रोवाइड करा सकता हूँ, आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करा सकता हूँ, आपके इमिग्रेशन तक लेके आके आपको यहाँ ला के एक कमरा घर दे के आपके खाने पीने रहने का इंतज़ाम करा के आपके लिए एक जॉब ढूंढ के दे सकता हूँ बेसिक लेवल की। ऐसा नहीं कि मैंने आपको कोई अफसर बना देना है, नहीं, अफसर आपने खुद बनना है अपनी मेहनत से, अपने जो आपके अंदर गट्स होंगे जब आप मेहनत करेंगे, और आप फिर अपने लेवल अप अपने आप को करते जाएंगे, जो आपका स्किल सेट है, जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है उस चीज़ का। बाकी जॉब्स दुनिया भर की, आप इंटरव्यूज दे दिए, इंटरव्यू क्लियर करें, आप लोगों से कॉन्टैक्ट बनाइए, ठीक है, लोगों से बात कीजिए, किसी के पास कोई वैकेंसी है वहाँ पे जाइए, लगिए, शुरू कीजिए। बहुत छोटी शुरुआत से, बहुत छोटा छोटा शुरू करना पड़ता है। आपने अपना कोई खुद का काम करना है फ्रीलांस में, आप वो भी कर सकते हैं। आपने कोई अपना बिजनेस का स्टार्टअप करना है, आप वो भी कर सकते हैं, लोग कर रहे हैं, राइट। तो बाय गिविंग एग्जांपल ऑफ आबिद, वो मेरे मामा का बेटा है, छोटा है, अभी तो 20 साल का है आई थिंक, ठीक है, हैविंग जीरो एक्सपीरियंस ऑफ वर्क, लाइक उसने मुझे ऐसा लगता है इसने लाइफ में कभी कोई काम किया है, अपनी मन मर्जी का मालिक है ना, घर का सबसे बिगड़ेल बच्चा ना, उसने अपनी एजुकेशन पूरी की, 12th भी छोड़ दी उसने, राइट। लेकिन उसको मतलब ये था कि उसको यंग है तो अभी उसको एक लाइन दे देनी चाहिए, वरना फिर टाइम बहुत हो जाएगा, मतलब समय निकल जाता है। बाकी जो दूसरे लोग हैं उनके पास समय है, वो अपनी एजुकेशन पूरी कर रहे हैं या कोई कहीं से कोई काम करके एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं रहा था, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी था उसको लेके आना, राइट। तो वो अभी यहाँ है, उसको अच्छा काम मिल गया है, ही इज़ मेकिंग अराउंड 55,000 इंडिया का। तो जो बच्चा ज़ीरो पे था वो 55,000 पे आ गया है पहले ही महीने में। तो फिर जब 6 महीने का उसको काम होगा, वो अपनी कंपनी जॉब स्विच करेगा, या फिर उसको एक्सपीरियंस होगा, उसको बात करने की तहजीब तमीज़ हो जाएगी कि बाहर आके आप किस तरह का एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आप कैसे लोगों को ग्रीट करते हैं, आप खुद से अपने कॉन्टैक्ट्स कैसे डेवलप करते हैं, आप अपना नेटवर्क डेवलप करते हैं, फिर आप आगे बढ़ते जाते हैं, राइट। या फिर उसने अपना खुद का कोई काम करना है, वो भी आप सब चीज़ें कर सकते हैं। तो शुरुआत की बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपने शुरू में करनी ही पड़ती है। अगर आप उस रिग्रेस प्रोसेस से नहीं गुजरते तो फिर आगे मतलब आपको वो अचीवमेंट जो आपको हासिल होती है उसकी कदर भी नहीं होती, राइट। तो ठीक है, मैं आपको एक बार लिख के आप सब लोगों को बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, और अगर आपको आसानी होगी तो आप दूसरे लोगों को भी आसानी से समझा सकेंगे। दूसरे लोगों से मेरा मतलब क्या है कि आप अपनी फैमिली के लोगों से। ये एक्चुअली सब लोगों के लिए स्कीम नहीं है इनिशियली, तो जो मैं पुट आउट कर रहा हूँ ये सिर्फ मेरे खास दोस्तों के लिए, बहुत जो मतलब तगड़े जिगरी यार हैं उन लोगों के लिए, और जो मेरे रिलेटिव्स हैं और जो मेरे वेल विशर हैं और मैं उनका वेल विशर हूँ, ये सब उन लोगों के लिए है। मैं उनको हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ हर एक तरीके से, 24/7, ठीक है। कभी भी आप आइए, आप मुझे बताइए क्या सीन है, ठीक है। मैं हर तरीके से, ये नहीं जो मैं बात बताने वाला हूँ, इसके अलावा भी अगर आपको कभी भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज़, कोई भी अड़चन आ रही है और आपको मैं कहीं भी हेल्प कर सकने में सक्षम हूँ, तो आप प्लीज़ रीच आउट कीजिए मुझे, ठीक है। चलिए फिर, मैं अभी आपको, कुछ लोगों के पास मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है तो मैं आपको अपनी पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे देता हूँ। नहीं, एक्चुअली मुझे नहीं पता है वीडियो पब्लिक जाएगी कि नहीं, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप मेरे किसी फैमिली मेम्बर से ले सकते हैं, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि मैं वीडियो में नहीं लिखूँगा। और मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर लेकर चलता हूँ और फिर मैं आपको व्हाइट बोर्ड से दिखाता हूँ कि क्या प्रोग्रेस। तो चलिए, मैं आपको अभी व्हाइट बोर्ड पर लेकर चलता हूँ और व्हाइट बोर्ड से मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या प्रोसेस रहने वाला है और उस प्रोसेस में कितना टाइम लगने वाला है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड ए पासपोर्ट, दैट इज मैंडेटरी। अगर आपके पास नहीं भी है, नो प्रॉब्लम, पासपोर्ट आ जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इतना कुछ आपको मतलब हौश पौश तो करना नहीं है कि आज ही आपको सब कुछ चाहिए। आपके पास नहीं भी है, डोंट वरी, वी विल मेक इट।
ठीक है, पासपोर्ट को आने में लग जाता है 1 महीने से 2 महीने का टाइम अगर आपके पेपर वर्क अच्छा है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज पासपोर्ट, जो आपने अरेंज करनी है, ठीक है। और सेकंड वीज़ा, थर्ड स्पॉन्सरशिप, फोर्थ मेडिकल, फिफ्थ फ्लाइट टिकट, सिक्स्थ अकोमोडेशन, सेवेंथ योर फूड एंड ट्रैवल, एट योर जॉब। ऑलराइट, सो इनके पास नहीं है, वो बन जाएगा। इसके लिए भी मैं आपको असिस्ट कर दूंगा, पासपोर्ट बनाने के लिए भी। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है और आपके पास पेपर वर्क पूरा है, तो इंशाल्लाह विद इन 1 to 2 months आपका पासपोर्ट आ जाएगा। उसके लिए भी है, आपकी फ़ीस उसमें आई डोंट नो अभी कितनी लग रही है, लेकिन जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो 1500 rupees है। ऑलराइट, तो उसके बाद में कुछ और ऊपर के एक्सपेंस आते हैं, तो लगभग 3000 तक आपका पासपोर्ट बन जाता है। इसमें आपकी वीज़ा लगेगी, इसमें आपको स्पॉन्सरशिप लगेगी कंपनी से, आपका मेडिकल क्लियर होगा, आपकी फ़्लाइट टिकट, आपका अकोमोडेशन, आपका फूड एंड ट्रैवल। अकोमोडेशन आपको 1 month, फिर आपने जहाँ रहना है वो आप रह सकते हैं। और आपको जॉब बेसिक एंट्री लेवल का मैं करा सकता हूँ यहाँ पे, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहा है पास्ट में, या फिर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे कुछ चीज़ें ज़रूर डिपेंड करेगी, क्योंकि आपकी अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छी है, अगर आप मास्टर्स हैं या फिर आपके पास ग्रेजुएशन की कोई डिग्री है कॉमर्स वगैरह में, तो वो थोड़ी मतलब आपको एक पुश मिल जाता है, उस तरह के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। लेकिन आपको अगर एंट्री लेवल पे भी जॉब मिल रहा है, फिर आप स्विच करना चाहें, तो वाई नॉट, राइट। आपने कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी है ना अपने प्रोफेशनल करियर की। मुझे नहीं पता आप अभी इंडिया में आप सब लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं से तो शुरू करेंगे ना। तो आपकी अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैं कहता हूँ अगर आप 12th भी हैं, नो प्रॉब्लम, फॉरगेट अबाउट द डिग्री, नो नीड, ठीक है। हम ऐसे वर्ल्ड में एंटर कर चुके हैं जहाँ पे अभी लोग डिग्रीज नहीं पूछ रहे हैं, कुछ जगहों पे अभी भी है, राइट। अगर आपकी एजुकेशन सिर्फ सिर्फ 12th बेस भी है और आप कम्युनिकेट अच्छे से कर सकते हैं इंग्लिश में, सी आप अब्रोड आ रहे हैं, ठीक है, आप एक NRI बनने वाले हैं। अब्रोड आना और NRI बनना एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन यहाँ पे काम करना एक डिफरेंट चीज़ है। देखिए, जब आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको काम करना पड़ेगा, काम करने के लिए आपको लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और कम्युनिकेशन की लैंग्वेज क्या है, यहाँ पे हर कोई बंदा हिंदी तो आपका बोलेगा नहीं, राइट। जो लोकल लैंग्वेज है वो अरबिक है, और सेकेंड लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, राइट। तो आपने इंग्लिश को अपना मजबूत करना ही है। अगर आप इंग्लिश नहीं अच्छे से बोल पा रहे, तो आपको बहुत सारे स्ट्रगल आएंगे, आपको बहुत अच्छी फैंसी जॉब्स नहीं के ऑफर नहीं आएंगे। क्योंकि जब देखिए, जॉब का सीन क्या रहता है कि कोई भी एम्प्लॉयर आपको अपना एम्प्लॉय क्यों रखता है, कि आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको वैल्यू ऐड कर रहे हैं उसकी कंपनी में, राइट। अगर आप उसको 10,000 रुपये का बिजनेस ला के दोगे, तो वो आपको कहीं 5-6 हज़ार रुपये पे कर देगा महीने के, राइट, क्योंकि आप उसका बिजनेस बढ़ा के ला रहे हो। अब कोई यहाँ पे आपका फूफा या जीजा तो लगा नहीं है कि आपने काम किया 10,000 का और वो आपको 20,000 रुपये दे देगा महीने के, नहीं ना, क्योंकि कंपनी इज ऑल अबाउट बिजनेस एंड बिजनेस इज ऑल अबाउट प्रॉफिट, राइट। तो आप कितना वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं। तो जब आप इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे, तो आप लोगों से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, आप उसके बिजनेस में वैल्यू ही नहीं ऐड कर पा रहे हैं, तो आपको क्यों रखेगा कोई भी बंदा काम पे, राइट। और अगर चलिए आपके पास अभी मतलब आप 10th भी हैं और यू आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, आप अच्छे से बात नहीं कर पाते, सो वाई नॉट यू गिव इट ए ट्राई। आप काम करें अपने पे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे या अपने आप खुद पे, राइट। और जब आप आएंगे, आप सीखेंगे चीज़ें, आगे बढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ जो यहाँ पे आए थे ज़ीरो, देवर लाइक आई डोंट नो, आई डोंट वॉन्ट यूज़ द वर्ड, बट चलिए वो मेहनती थे, लेकिन देवर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ नॉलेज, राइट। लेकिन उन्होंने यहाँ पे आके सीखा, अपने पर्सनल काम शुरू किए, छोटी जॉब से शुरुआत की,
और आज वो बहुत अच्छे लेवल पे और बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, अपनी फैमिली को टेक केयर कर पा रहे हैं, अपने आप को खुद को एक लाइफ स्टाइल मेंटेन कर पा रहे हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये आपकी पर्सनल लेवल पे आती है। इसकी ब्रीफिंग हम बाद में भी कर सकते हैं कि भाई आपने शुरू कहाँ से करना है, ठीक है। अगर आप इतने मतलब काबिलियत रखते हैं तो आपको वहीं पर इंडिया में कोई ना कोई फैंसी जॉब मिल ही जाएंगी। इंडिया में भी कोई ऑप्शन की कमी तो है नहीं, अगर बंदा स्किलफुल है बहुत ऑप्शन वहाँ भी अवेलेबल है, राइट। तो इसमें आपको मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ आपका पासपोर्ट, आपकी वीज़ा, आपकी स्पॉन्सरशिप, आपका मेडिकल, आपकी फ्लाइट टिकट, आपका एकोमोडेशन रहने का बेसिक एंट्री लेवल, आपका फूड एक महीने का, आपकी जॉब ढूंढ के देना बेसिक लेवल की, उसमें आपकी भी मेहनत लगेगी। और यह तो जॉब तक का आपका सीन है, फिर आप काम करते रहे, आप अपनी अर्निंग करते रहे और आप अपना आगे बढ़ते रहे। अब देखिए इन सब चीज़ों के लिए होते हैं, ठीक है, ये सब एक्सपेंसेस आपके खुद के हैं। आई एम ए हेल्पर, ठीक है, आई एम नॉट ए सेंट, ठीक है, मैं कोई क्या बोलते हैं समाज सुनते हैं मुझे ना बड़ी हंसी आ जाती है, ठीक है, मैं कोई समाज सेवी नहीं हूँ भाई। मैंने एनजीओ अभी तक नहीं खोला है, आगे शायद खोल लूँ, ठीक है, अगर अल्लाह ने मौका दे तो। लेकिन इसके एक्सपेंसेस आपको खुद बेयर करने पड़ेंगे। आई एम ए हेल्पर एज ए ब्रदर, आई कैन हेल्प यू, बट ये सब एक्सपेंसेस आपने इसके खुद लेने पड़ेंगे। एक्सपेंसेस आपकी अगर क्वालिफिकेशन बहुत बढ़िया है और आप पहले से कोई जॉब ढूंढ लेते हैं, क्योंकि अच्छी जितनी भी फैंसी जॉब्स यहाँ पे हैं वो सब कंपनियाँ कतार छोड़ के आपकी होम कंट्री में जाती है और वहीं से आपको लेके आती है अपने एक्सपेंसेस पे। लेकिन अगर आपने आना है तो उसके एक्सपेंसेस यहाँ से लेके यहाँ तक आप खुद ही बेयर करेंगे, जो के होते हैं अराउंड, अगर मैं पासपोर्ट से लेके और मैं आपकी जॉब गारंटी तक की बात करूँ, सो अराउंड 2.5 लाख रुपीज़। अगर आपके पास ये है और ये पेपर नहीं है, नो प्रॉब्लम, इस पैसे से हम ये पेपर बना सकते हैं। रही बात आपकी अर्निंग की, आपकी इनिशियल सैलरी कहीं पे लैंड करेगी अराउंड 40,000 to 50,000 के, और अगर आप गुड स्पीकर है, आप अच्छी लैंग्वेज पे आपकी कमांड अच्छी है, आप अच्छा बात कर पाते हैं, तो वो हम बात कर सकते हैं अराउंड 80K to 1 lakh, अगर आपका एक्सपीरियंस है काम का, अगर आप अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं किसी कंपनी में। और अगर आप यहाँ से भी शुरू करते हैं 40-50 से, तो आप इजीली 1+ तक भी आप जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते, बहुत सारे लोग हैं। अगर आपने कोई और भी कुछ नहीं करना, यू आर ए गुड ड्राइवर, आप एक अच्छी गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, स्टार्ट डूइंग ऊबर, लोग बहुत करते हैं यहाँ पे ये काम। यू कैन वर्क फ्रीलांस, राइट, आप किसी कंपनी की जॉब नहीं करेंगे, आपकी जो वीज़ा होगी वो फ्री वीज़ा होगी, आप एनी टाइम अपने घर आ सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं जब तक आप ट्रांसफ़र नहीं लेते। अगर आपने किसी कंपनी में आपको कोई अच्छी जॉब का ऑफर मिल रहा, आप ट्रांसफ़र ले लें, तो फिर तो एक कंपनी से आपको छुट्टी अप्रूव करानी है घर जाने के लिए, ये वो सब, लेकिन आपकी वीज़ा यहाँ पे फ्री होगी। एनी टाइम यू आर फ्री टू लीव द कंट्री, जब भी आपका दिल करें, जब भी आपका दिल चाहें, राइट। और इसके अलावा भी एक दो चीज़ें मेरे जहन से निकल रही हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं आप उससे पूछ सकते हैं नीचे कॉमेंट में, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली ऑन माई फ़ोन नंबर। आई एम नॉट प्रोवाइडिंग यू हेयर एज आई सेज, सो आप मेरे किसी फैमिली मेम्बर से मेरा कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले सकते हैं। यस, सो दिस इज इट। ऊबर में भी लोग बना रहे हैं अच्छा खासा पैसा, 1 लाख रुपए तक बनता है इंडिया का, क्योंकि अगर आप रोज लेट्स से 300 रियाल भी बनाते हैं तो महीने के 9,000, ठीक, महीने के 9,000 का मतलब है कि आप क्या हो गया मोटा मोटा 2 लाख रुपए। इसमें आपके एक्सपेंसेस भी हैं, आपका रहना है, आपका खाना है, गाड़ी का पेट्रोल है, गाड़ी का मेंटेनेंस है, अगर सब कुछ लगा के भी आपने 1 लाख आप खा भी गए और खर्च भी हो गए, तो भी आपकी 1 लाख की सेविंग है पर मंथ। और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, फ्री वीज़ा लेके आइए यार, सभी कुछ है यहाँ पे। और फिर मैं हूँ, और भी कोई बात नहीं है, यू जस्ट कम ओवर हियर, यू गेट ऑल दिस पेपर वर्क एंड यू कम हियर एंड आई एम हियर टू हेल्प यू। ऑलराइट, सो दिस इज़ प्रीटी मच इट।
अगर आपके पास कोई और भी फिर से कोई सवाल आ रहे हैं सो यू कैन आस्क मी, ठीक है, आप मुझसे बात करिए, मैं अवेलेबल रहूँगा। और अगर कभी मैं कुछ मैसेजेस का आपका रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ या आपके ईमेल्स को रिटर्न रिवर्ट नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। हाँ, तो मैं आपको अपना ईमेल आईडी दे देता हूँ, दी साइलेंट वॉयज @gmail.com। आप अपनी सब क्वेरी मुझे यहाँ पे लिख सकते हैं, सो आई विल रिप्लाई फॉर श्योर इंशाल्लाह, ठीक है, ओके। देन आई थिंक मैं काफ़ी चीज़ें क्लियर कर पाया। बाय, मा सलामा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।